बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान सलीम रबनवाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने गांव से लाहौर को जा रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ ज़िंदगी की एक ऐसी तलख हकीकत कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, हम छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे ज़मीनी तनाज़ात पर अपने रिश्तेदारों के साथ बाइकाट करते हैं, उनके साथ मिलना जुलना, उनके घर आना जाना सब कुछ बंद कर देते हैं सिर्फ ज़मीन की बना पर कि ये हमारी ज़मीन है, उन्होंने हमसे छीन ली या उनकी ज़मीन हमने उनसे छीन ली। भाइयों, इस ज़मीन की क्या पर्सनैलिटी है यार, ज़मीन की क्या औकात है। ज़मीन अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया अपने लिए। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कुरान आयत मुकद्दस है कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो भाइयों, ये सब कुछ, दुनिया का जितना भी माल है, ये अल्लाह पाक ने इंसान के लिए पैदा किया और इंसान को खुद अपने लिए पैदा किया। तो भाइयों, हमें छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे तनाज़ात पर अपने रिश्तेदारों के साथ बाइकाट नहीं करना चाहिए, उनका मर्डर नहीं करना चाहिए, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, कत्ल व गारत को आम नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर ज़मीन के तनाज़ात पर। भाइयों, ये देखो, ये ज़मीन पड़ी हुई है, वीरान है, वीरान है। बज़ाहिर ये ज़मीन ज़रई हिसाब से काम के काबिल है, लेकिन इधर जो रहायश है बहुत कम है। पता नहीं कितने सालों बाद इधर ये ज़मीन आबाद होगी या ये इलाका आबाद होगा। हमें अपने रिश्तेदारों के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक में रहना चाहिए, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ही कम जगह आ रही हैं जहाँ पर आबादी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रकबा है वो गैर आबाद है। तो भाइयों, हमें ज़मीन के पीछे अपने अकारबीन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने प्यारे हबीब के सदके इंसानी जान की कदर व कीमत जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।